हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल टेक टॉक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक मेरा ब्रिक्स का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैंने बिल्डिंग मटेरियल प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उस लिंक पर जाकर ब्रिक का प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर हमने सीमेंट के टॉपिक को भी कम्प्लीट डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप अपना सीमेंट का टॉपिक भी कम्प्लीट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिक मैसनरी और साथ ही साथ ब्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे जो आपके एसएससी जेई के एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो अब ब्रिक मैसनरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रिक्स में कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है? आपका लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का जो भी लॉन्गर फेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। फिर आता है हेडर। हेडर क्या होता है? शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का जो भी शॉर्टर फेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग हेडर। फिर आता है आपका क्लोजर। क्लोजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लोजर को समझते हैं। देखो, जब भी हम लोग ब्रिक को उसके लेंथ के अलोंग कट करते हैं या लेंथ के पैरेलल कट करते हैं तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचता है ब्रिक का उसे बोलते हैं हम लोग क्लोजर। तो सबसे पहले फिगर में मैंने दिखाया है क्वीन क्लोजर हाफ। इसमें हमने क्या किया, ब्रिक को हाफ कर दिया उसकी लेंथ के अलोंग। मैंने ब्रिक को हाफ कर दिया उसकी लेंथ के अलोंग, फिर जो भी आपका शेडेड पोर्शन बचा उसे हमने बोल दिया क्वीन क्लोजर हाफ। और जब हम क्वीन क्लोजर हाफ का भी हाफ कर देंगे, क्वीन क्लोजर हाफ का हाफ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्वीन क्लोजर क्वार्टर। जैसे मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया है, जितना भी शेडेड पोर्शन ब्रिक का दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे क्वीन क्लोजर क्वार्टर। फिर आता है आपका किंग क्लोजर। किंग क्लोजर में हम लोग क्या करते हैं, एक विड्थ को हाफ करते हैं और एक लेंथ को हाफ करते हैं और दोनों को ज्वाइन करके उतना पोर्शन रिमूव करते हैं। फिर जो भी पोर्शन आपका ब्रिक का बचता है उसे हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। नेक्स्ट आता है आपका वेवल्ड क्लोजर। वेवल्ड क्लोजर में एक विड्थ को हाफ करते हैं और एक फुल लेंथ को रिमूव करते हैं और दोनों को ज्वाइन करके कट करते हैं। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे बोलते हैं वेवल्ड क्लोजर। फिर आता है आपका मिटेड क्लोजर। मिटेड क्लोजर में हम लोग क्या करते हैं, एक लेंथ का तो हाफ करेंगे और एक फुल विड्थ को रिमूव करेंगे, दोनों को ज्वाइन करके कट कर देंगे। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे मिटेड क्लोजर। नेक्स्ट आता है आपका वेट। जब भी हम लोग ब्रेक को उसके विड्थ के अलोंग कट करते हैं तो जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन होता है कट करने के बाद उसे हम लोग बोलते हैं वेट। तो सबसे पहले फिगर में मैंने दिखाया हाफ वेट। हाफ वेट में हमने क्या किया, ब्रेक को हाफ किया उसकी विड्थ के अलोंग और जो भी आपका शेडेड पोर्शन बचा, जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा उसे बोल दिया हमने हाफ बेट। फिर आता है थ्री क्वार्टर बेट या 3/4 ब्रिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विड्थ के अलोंग कट करते हैं 1/4 ब्रिक को। 1/4 ब्रिक का पार्ट कट कर दिया विड्थ के अलोंग, जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा ब्रिक का उसे बोल दिया हमने थ्री क्वार्टर बेट या 3/4 ब्रिक। फिर आता है आपका विवेल्ड बेट। विवेल्ड बेट में हम लोग क्या करते हैं, आगे से 1/L लेंथ को कट कर दिया और पीछे से ब्रिक का 1/4 एल लेंथ रख लिया, दोनों को ज्वाइन करके कट कर दिया ब्रिक को। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा, जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा उसे बोल दिया हमने वेवल्ड बेट। फिर आता है आपका क्यून। क्यून क्या होता है, जो भी हम लोग ब्रिक मेसनरी की कॉर्नर पे जो भी ब्रिक का यूज करते हैं उस ब्रिक को बोलते हैं हम लोग क्यून और उसका मिनिमम एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका होता है क्यून। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन ब्रिक मेसनरी। तो सबसे पहला बॉन्ड है आपका इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट कोर्स प्रोवाइड करते हैं हेडर और स्ट्रेचर की। देख लेते हैं फिगर में। देखो फिगर में हमने क्या दिखाया है, अल्टरनेट कोर्स प्रोवाइड करिए स्ट्रेचर और हेडर की। सबसे पहले हमने प्रोवाइड किया पहली कोर्स में स्ट्रेचर, उसके अगली कोर्स में हेडर, उसके बाद स्ट्रेचर और फिर हेडर। अब देखो जब भी हम लोग स्ट्रेचर और हेडर अल्टरनेट कोर्स में प्रोवाइड करते हैं तो आपके ये जो वर्टिकल जॉइंट है ये सेम स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो ये वर्टिकल जॉइंट्स आपके सेम स्ट्रेट लाइन में ना आए, इस अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यून हेडर के जस्ट बाद अल्टरनेट कोर्स में, क्यून हेडर के जस्ट बाद हम लोग क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं। क्यून हेडर के जस्ट बाद हम लोग क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका
जो वर्टिकल जॉइंट का अलाइनमेंट है, जो सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, वो ब्रेक हो जाता है और ब्रिक के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश बॉन्ड। अब कोई भी हम लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं, ब्रिक वर्क में कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां से डिस्प्लेस हो सकता है, जिससे आपकी ब्रिक वॉल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, सेम कोर्स में ही ऑल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। एक बार फिगर में देख के समझ लेते हैं इस बात को। देखो हमने क्या किया है, सेम कोर्स में ही सबसे पहले स्ट्रेचर प्रोवाइड किया, उसके बाद हेडर प्रोवाइड किया, उसके बाद स्ट्रेचर प्रोवाइड किया, फिर हेडर और फिर स्ट्रेचर। तो सेम कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचर हेडर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड। अब देखो हमने क्या किया, स्ट्रेचर प्रोवाइड किया, उसके बाद हेडर प्रोवाइड किया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। अगली कोर्स स्टार्ट की, उसमें हेडर प्रोवाइड किया, फिर स्ट्रेचर प्रोवाइड किया, फिर हेडर प्रोवाइड किया, फिर स्ट्रेचर प्रोवाइड किया। तो आपको ये दिख रहा होगा जो वर्टिकल जॉइंट है आपके, वो सेम स्ट्रेट लाइन में एक बार फिर से आ रहे हैं फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर भी। तो ये वर्टिकल जॉइंट आपके सेम स्ट्रेट लाइन में ना आए, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्यून हेडर के जस्ट बाद इसमें भी हम लोग क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनका अलाइनमेंट ब्रेक हो जाता है, ये वर्टिकल जॉइंट आपके सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आते और ब्रेक के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और फ्लेमिश बॉन्ड मोर इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, और फ्लेमिश बॉन्ड की जो एस्थेटिक अपीयरेंस होती है वो अच्छी होती है आपकी इंग्लिश बॉन्ड से। लेकिन अगर मैं बात करूं लोड बियरिंग कैपेसिटी की, तो वो आपकी इंग्लिश बॉन्ड की अच्छी होती है एज कंपेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड। अब आता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग हर एक कोर्स में स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पहली कोर्स में स्ट्रेचर प्रोवाइड करी, सेकंड कोर्स में भी स्ट्रेचर प्रोवाइड करी, तो फिर से क्या हुआ, ये वर्टिकल जॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में आ गए। अब इनके अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट कोर्स को स्टार्ट करते हैं हाफ बेड से। ऑल्टरनेट कोर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, हाफ बेड से, जिससे क्या होगा, ये आपके वर्टिकल जॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे और ब्रिक के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या करता है, हाफ ब्रिक वॉल थिकनेस प्रोवाइड करता है, या मैं कहूँ 4.5 इंच थिकनेस की बॉल प्रोवाइड करता है, या 115 mm थिकनेस की बॉल प्रोवाइड करता है। स्ट्रेचर बॉन्ड की सबसे लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी होती है अमंग ऑल, और सबसे अच्छी बियरिंग कैपेसिटी वो किसकी होती है, वो आपकी होती है इंग्लिश बॉन्ड की। फिर चलते हैं आपका हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक कोर्स में हेडर प्रोवाइड करते हैं। अब हेडर प्रोवाइड किया तो फिर से आपके वर्टिकल जॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में आए। अब इनके अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट कोर्स को स्टार्ट करते हैं आपके 3x4 बेड से। ऑल्टरनेट कोर्स को स्टार्ट करते हैं 3x4 बेड से, जिससे आपका जो वर्टिकल जॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं वो फिर सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, ब्रिक्स के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग हेडर बॉन्ड। तो ये आपके बॉन्ड होते हैं ब्रिक मैसनरी में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक की। यहाँ पर मैंने कई सारी ब्रिक्स की शेप दिखा रखी है, क्योंकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फिगर दे देगा, एक ब्रिक की शेप दे देगा और पूछ लेगा आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक। तो आपको ब्रिक की शेप को देखकर उसका नेम आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली ब्रिक है आपकी बुल्लोज ब्रिक। इसमें क्या होता है, इसकी एक एज राउंडेड होती है, वन एज राउंडेड। तो इस टाइप की ब्रिक को हम लोग बोलते हैं बुल्लोज ब्रिक। फिर आती है आपकी काउनोज ब्रिक। काउनोज ब्रिक में क्या होता है, टू एजेस राउंडेड, इसकी दो एज राउंडेड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बुल्नोज ब्रिक भी बोलते हैं। इन दोनों ब्रिक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बुल्नोज ब्रिक और काउनोज ब्रिक का यूज कहाँ करते हैं, जहां भी हमें राउंडेड एजेस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम लोग यूज करते हैं बुल्नोज ब्रिक और काउनोज ब्रिक का। नेक्स्ट है आपका चैनल ब्रिक। ये आपकी चैनल ब्रिक होती है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ड्रेन्स के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं। फिर आता है आपका कोपिंग ब्रिक। ये दो टाइप की होती है, आपकी सैडल बैक ब्रिक
और हाफ राउंड ब्रिक। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पैरापेट बॉल के टॉप पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी ब्रेक है स्क्विंट ब्रेक। नेक्स्ट ब्रेक है आपकी स्क्विंट ब्रेक। स्क्विंट ब्रेक का हम लोग यूज कहां करते हैं, जहां भी हमें एंगल्ड कॉर्नर का कंस्ट्रक्शन करना होता है वहां हम स्क्विंट ब्रेक का यूज करते हैं। फिर आता है आपका कॉर्निस ब्रेक। कॉर्निस ब्रेक का हम लोग यूज कहां करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज में इसका यूज करते हैं। फिर आता है कैंट। कैंट का यूज हम लोग करते हैं जब हमें ब्रेक वर्क की डायरेक्शन को चेंज करना होता है, तब हम कैंट का यूज करते हैं। फिर आता है आपका परफोरेटेड ब्रेक। परफोरेटेड ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक के टॉप सरफेस पे छोटे छोटे होल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा मैंने फिगर में दिखाया आपको, छोटे छोटे होल्स प्रोवाइड करते हैं। ये ब्रेक क्या करती हैं, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट हीट, साउंड एंड डैम्पनेस। फिर आता है आपका नौवां हॉलो ब्रेक। हॉलो ब्रेक भी काम सेम करती है परफोरेटेड ब्रेक की तरह, लेकिन इसमें जो होल्स प्रोवाइड करते हैं ब्रेक सरफेस के टॉप पे, वो आपके होल्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू परफोरेटेड ब्रेक। इसका हम लोग यूज कहां करते हैं, पार्टीशन वॉल में और इंसुलेशन वॉल में इसका यूज करते हैं। सबसे लास्ट है आपका रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का हम लोग यूज कहां करते हैं, जहां हमें हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करना है वहां पर हम लोग इस ब्रिक का यूज करेंगे। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आपके 1700 डिग्री सी तक के टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है विदाउट मेल्टिंग। इसका हम लोग यूज करते हैं लाइनिंग ऑफ फर्नेस में, और वहां पर यूज करते हैं जहां हाई टेम्परेचर होता है। तो ये आपकी होती है टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। अब हम ब्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। ब्रिक के अंदर एलुमिना का कितना कंपोजिशन होता है, कितना परसेंटेज कैरी करता है एलुमिना, वो करता है आपका 20-30%। और ये क्या इम्पार्ट करता है, ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है ब्रिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। मॉड्यूलर ब्रिक का साइज कितना होता है, या मैं कहूँ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, वो होता है आपका 19 cm × 9 cm × 9 cm। अगर मैं बात करूँ नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक की, तो वो कितना होता है, 20 cm × 10 cm × 10 cm। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास्ट फर्स्ट ब्रिक आफ्टर 24 आवर ऑफ इमर्सन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ सेल्फ वेट। जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 आवर के लिए वाटर के अंदर इमर्स करके रखते हैं, तो उसे अपने सेल्फ वेट का 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं सेकेंड क्लास ब्रिक की, तो उसे 22% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अपने सेल्फ वेट का। और अगर थर्ड क्लास ब्रिक की बात करूं, तो उसे 23% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए आफ्टर 24 आवर इमर्सन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन 1 cubic meter ऑफ द ब्रिक मैसनरी इज। देखो ये आपको याद रखना है, 1 cubic meter में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आती हैं, वो आती हैं आपकी 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स। 1 cubic meter की जब हम लोग ब्रिक मैसनरी बनाते हैं, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, 500 नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड। देखो जब भी हम कोई भी, हमारी ब्रिक है और इससे हम लोग लेंथ के अलोंग कट कर रहे हैं दो हाफ में, तो इस टाइप के क्लोजर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्यूइंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रेड कलर ब्रिक के अंदर कौन इम्पार्ट करता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ब्रिक के अंदर रेड कलर इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। जो हम लोग ब्रिक के ऊपर टॉप से ब्रिक, ये हमारी ब्रिक है, इसके टॉप पर हम लोग कितना डिप्रेशन देते हैं, वो देते हैं आपका 10-20 mm का डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इस डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये की बॉन्ड प्रोवाइड करता है बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेजिस्ट। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का हम लोग यूज क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन अ गुड क्वालिटी ब्रेक अर्थ। सिलिका का कितना परसेंट होता है ब्रेक के अंदर, वो होता है आपका 50-60%
और ये क्या इम्पार्ट करता है, ये यूनिफॉर्म शेप एंड साइज इम्पार्ट करता है ब्रेक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रेक। जब भी ब्रेक के अंदर एल्कलीज प्रेजेंट होंगी तो एफ्लोरोसेंस डिफेक्ट अपीयर होता है। एफ्लोरोसेंस में क्या होता है, ग्रे और व्हाइट पैचेस आ जाते हैं ब्रेक की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रेक्स। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये की ज्वाइंट प्रोवाइड करता है, की बॉन्ड प्रोवाइड करता है बिटवीन ब्रेक एंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉड्यूलर ब्रेक। नॉमिनल साइज ब्रेक का कितना होता है आपका, वो होता है आपका 200 mm × 100 mm × 100 mm। और अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में तो वो कितना होगा, 20 cm × 10 cm × 10 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर अ 5 cubic meter ब्रेकवर्क। हमें पता है 1 cubic meter में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, 500 ब्रिक्स की। तो 5 m³ में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा आपका, 2500 नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी 5 cubic meter ब्रिक वॉल के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलुमिना इन द ब्रेक अर्थ। एलुमिना क्या इंपार्ट करता है ब्रेक के अंदर, प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रेक। फर्स्ट क्लास ब्रेक की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है आपकी, 10.5 newton per mm square। अगर मैं बात करूं सेकंड क्लास ब्रेक की तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, 7.5 newton per mm square। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ द ब्रेक सोन इन द गिवन फिगर। ये जस्ट अभी हमने ब्रेक की कई सारी शेप देखी थी, उसी में से ये एक शेप है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक की इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं हम लोग कैंट, जस्ट अभी डिस्कस किया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक्स इट मेक्स द ब्रिक्स। जब भी ब्रिक के अंदर सिलिका एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, क्ले के पार्टिकल्स के बीच में जो भी कोहेसन है उसे ब्रेक कर देगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हमारी ब्रिक जो होती है वो ब्रिटल हो जाती है और वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वॉटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, द डिफेक्ट इज नोन एज। जब भी ब्रिक के ऊपर, हॉट ब्रिक के ऊपर रेन वॉटर फॉल होता है तो ब्रिक की शेप डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चप्स। तो ऑलमोस्ट हमने ब्रिक्स के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। बाकी आप बुक्स से ब्रिक के और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज आपका ब्रिक्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज आप सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।